के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहाबादी और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर न्यू ग्रेडी स्टेशन से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन 03309 रांची इंटरसिटी को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ डीआरएम कमल किशोर सिन्हा भी रांची गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के विस्टाडम कोच में बैठे तो हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन ने अपना रफ्तार भी पकड़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोगों की काफी भीड़ थी। ट्रेन को रवाना करने से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा किरडी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा, सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार, एओएम रजनीश कुमार, कुडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, भाजपा नेता महादेव दुबे, संदीप डंगेश, मुकेश जालान, मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, नेत्री पूनम प्रकाश, रंजन सिन्हा, शालिनी बैसखियार, उषा कुमारी, अजय रंजन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला समेत हजारों की भीड़ स्टेशन में मौजूद थी। जो ट्रेन है जिसका जम्मू विधानसभा क्षेत्र के लोक विधायक माननीय श्री केदार हमारे बीच उपस्थिति है गांधी विधान जम्मू विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के धन्यवाद मान्यवर। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं गिरिडीह विधान। आज आप सब से निश्चित रूप से बहुत ही सुखद क्षण है और इस सुखद क्षण में सभी जनता जनार्दन की ओर से तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिल के जिन्हें दूर तक है जाना क्योंकि कई स्टेशन के बारे में ठहराव के बारे में ये हम इधर इस ऐतिहासिक पल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 152 साल बाद गिरिडीह के यात्री सुविधा में इजाफा हुआ है। जो भी बदलाव दिख रहा है वह सिर्फ पीएम मोदी और रेल मंत्री के प्रयास से है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के समय सारणी में बदलाव की मांग है तो इसे लेकर जल्द ही पहल किया जाएगा। जबकि रांची से गिरिडीह के बीच कई सिस्टम में स्टॉपेज की भी मांग की गयी है, इस पर भी विचार किया जाएगा। आप सभी का आज इस रेलवे ने न्यू गिरिडीह स्टेशन में रेलवे इंटरसिटी के शुभारंभ के अवसर पर सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, सभी का जोहार। आज ये आप सबको पता है कि हम कुछ बोले उसके पहले स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में
हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि उन्हें उन्होंने इस रेल लाइन के का शुभारंभ उनके हाथों हुआ था लगभग 1996-97 के समय, और उसके पीछे की बात अगर हम करें तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी को। ये उनकी ही सोच थी कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी मुख्यालय से जोड़े, और आज दोनों का सपना साकार हुआ है, इसलिए विशेष रूप से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, राज्य देश के अंदर कोई भी राज्य हो, जिला हो, जब वहां की समस्या हम तक पहुंचती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच होती है कि उस समस्या का समाधान हो, निदान हो। साथ ही रेल मंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि रेल मंत्री जी के समक्ष जो आप लोगों की वर्षों की मांग थी माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष इस बात को रखा गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। ये स्वीकृति लगभग 4 महीना से ज्यादा हो चुका है, पहले ही हो चुकी थी। बीच में जब शुभारंभ करना था तो उस समय चुनाव आयोग ने जो डुमरी चुनाव घोषित हुआ, आदर्श आचार संहिता के वजह से उस समय ये कार्य नहीं हो पाया, जिसके वजह से 1 महीना और विलंब हो गया। तो साथियों, कई मायने में ये ऐतिहासिक है, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम आप सब को नमन करते हैं, सभी जनता जनार्दन को, आप सभी देवतुल्य जनता को, कि एक तो हम खुद से ही शुरू करेंगे कि ये ऐतिहासिक रहा कि आजादी के बाद पहली बार एक महिला को आपने सांसद बनाया कोडरमा लोकसभा से। दूसरा ऐतिहासिक रहा कि जो हमारी जानकारी में है कि भारत सरकार में शायद कोडरमा लोकसभा को पहली बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और तीसरा सबसे बड़ा है जिसको हम बोलना चाह रहे हैं कि 1871 में गिरिडीह रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, गिरिडीह रेलवे स्टेशन की। तब से गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं था, यानी 152 साल के बाद पहली बार गिरिडीह वासियों के लिए ये सौभाग्य रहा कि गिरिडीह से रेल का ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक है और 150 वर्षों के बाद, तो ये हमें लगा कि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरिडीह से कोई ट्रेन खुले, लेकिन ये पहली बार हुआ। इधर उद्घाटन समारोह को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, विधायक सरफराज अहमद, चमुआ विधायक केदार हाजरा और DRM कमल किशोर सिन्हा ने भी संबोधित किया। यहाँ से रेल परिचालन हुआ, लेकिन 170 साल बाद गिरिडीह से ट्रेन प्रारंभ हुआ कहीं जाने के लिए, यह सौभाग्य गिरिडीह वासियों को मिला है। इसीलिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि गिरिडीह के लोगों को उन्होंने याद किया। और ऐसे तो डिमांड पूर्व में रहे कई सांसद सभी लोगों ने कि क्षेत्र के लिए अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। हम लोग भी कई ट्रेन यहाँ से पटना के बारे में भी और यहाँ से कलकत्ता के बारे में भी हमेशा लिखित रूप से रेल मंत्री से भी कई बार मिला और उनके द्वारा हमेशा यह आश्वासन मिला। और साथ साथ जब भी हम लोगों को GM स्तर पर हम लोगों का जब भी बैठक होता था, इस क्षेत्र का डिमांड हमेशा हम लोगों ने रखा, उसमें से मुख्य रूप से कई चीज़ें थी। जब भी हमारा हमारे झारखंड में जो अभी आधुनिकीकरण जो ट्रेन हम लोगों का होना है अमृत भारत के तहत, जो लगभग 508 स्टेशन को आधुनिकीकरण करना है, जिसमें से 20 स्टेशन झारखंड को मिला है जिसका आधुनिकीकरण होगा, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। और जिस प्रकार हम लोग एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उस तरह की व्यवस्था होगी।
वर्षों पहले गिरिडीह हावड़ा चलने वाली ट्रेन छीनी जो आज तक हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसकी कुछ भरपाई आज रांची के लिए एक सीधी ट्रेन चलाकर की गई है। मैं इसके लिए तमाम लोगों को, मैडम को, केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं थोड़े छोटे से सुझाव देना चाहूंगा। डीआरएम साहब, इस ट्रेन के परिचालन का समय जो रखा गया है ये गिरिडीह के लोगों के लिए थोड़ा सा सटीक नहीं है। इस ट्रेन का परिचालन डीआरएम साहब अगर सुबह यहाँ से हो और आप ये ट्रेन वापस लौट कर आए तो हमको लगता है कि गिरिडीह के लोगों की उपयोगिता ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेरे कथन पर लोगों की सहमति व्यक्त हुई है, कहीं ना कहीं यह जनभावना से जुड़ी चीज है, इसका ध्यान रखें माननीय मंत्री। और अगर आपके पहल से इस ट्रेन का परिचालन सुबह यहाँ से रांची के लिए होगा तो इसकी उपयोगिता गिरिडीह की जनता के लिए बेहतर है। एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूंगा इसी संदर्भ में, माननीय मंत्री से एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ से आगे एक सलैया स्टेशन है जो पचम्बा के पास में है, मैडम से आग्रह होगा कि चूंकि इसका अगला ठहराव जमुआ है और जमुआ के बाद NGRH है, तो मेरा यह आग्रह होगा आपसे और डीआरएम साहब से कि अगर सलैया स्टेशन में इस गाड़ी का ठहराव होता है तो पचम्बा या उस क्षेत्र में, उस छोर में बसने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से घर आना और जाना बड़ा आसान हो पाएगा। लाइन भी कोरोना भी रेलवे लाइन भी बना और आज से नई ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है। और इस मौके पर अगर मैं एक व्यक्ति जिन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए बहुत प्रयास किया, कोशिश किया और चार बार वो सांसद भी रहे, माननीय रूपलाल वर्मा जी को नहीं याद करें तो बेमानी हो जाती। रूपलाल वर्मा जी को जब तक वो सांसद रहे और मैं उनसे कहता था रूपलाल बाबू बोले देखिए मांग रखना चाहिए सरकार जी, मांग रखने में कोई हर नहीं है, लोगों की मांग है लोगों की, तो तीन बातें तो मैं संज्ञान में डालना चाहता हूँ। और धनबाद डिवीजन के डीआरएम साहब भी आए हुए हैं, देखिए विधायक सोनू जी ने ठीक कहा कि ये ट्रेन चलाई गई है गिरिडीह वालों के लिए ना कि रांची वालों के लिए। अगर रांची वालों के लिए चलाई है तो मुझे कोई इतराज नहीं, आप टाइम यही रखिए। अगर हमारी मांग पर गिरिडीह वालों ने बनाई है तो इस टाइम को उलटना सुबह यहाँ से जाइए और शाम को जाइए, क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा जिला शुरू होता है गिरिडीह, मैं कुंडा ये गांडे जो पड़ता है मैडम का क्षेत्र है उसका स्टेशन मैं कुंडा है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतना इसको मैं कुंडा तक बढ़ा दीजिए, मैं यही मांग रख रहा हूँ होगा। इस ट्रेन का ठहराव जमुआ, धनबाद, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बक्काकाना, मिश्रा और टाटू सुपर स्टेशन में होगा। बक्काकाना मिश्रा रेलखंड पर रेल मार्ग अवरुद्ध होने का यह गाड़ी बक्काकाना मोरी परिवर्तित मार्ग में अभी परिचालित होगी। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने से गिरिडीह एवं कोडरमा क्षेत्र के नागरिक राजधानी रांची से रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इस गाड़ी के परिचालन से संबंधित जिलों के विद्यार्थियों जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके साथ ही गिरिडीह के व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गतिविधि मिलेगी। राजधानी रांची एवं देश के अन्य शहरों से पर्यटक इस क्षेत्र के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाने हेतु सुगमता से आ जा सकेंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु मार्ग एवं मार्ग के मनोरम दृश्य को अच्छे ढंग से आनंद भाने होते हुए उद्देश्य से इस गाड़ी में एक विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है। विस्टाडोम कोच यूरोपीय शैली का एक कोच है जो उन्नत
सुख सुविधाएं जैसे अलग से खड़े होकर तीनों दिशाओं के दृश्य का आनंद लेने के साथ साथ बड़ी कांच की उनकी खिड़कियाँ, कांच का छत, दर्शक दीर्घा घूमने योग्य सीटों से सुरक्षित है। आज का माहौल है गिरिडीह के लिए एक तरह से वरदान के रूप में आज इंटरसिटी गिरिडीह रांची का शुभारंभ होने जा रहा है माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, इतने बड़े जनसंख्या में हम लोग के ट्रेन की जो कमी थी और खास करके रांची जो हमारा राजधानी है वहाँ जाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बस भी देखा कि बस से जाने वाले लोग कितना बार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ऐसे में ये एक तरह से समझिए कि वरदान के रूप में इसको हम मानते हैं और इसके लिए हम कोटि कोटि अपने केंद्रीय रेल मंत्री को माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, सांसद हमारे जो हैं इस क्षेत्र के, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। गिरिडीह के लिए बहुत ही एक उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाएगा। हम तो उम्मीद करेंगे और विश्वास होगा कि इसको और विस्तार दिया जाएगा।